हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसेंस गार्डन में। आज मैं आपको एक इस हैंगिंग प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका नाम है ट्रायंगल हार्ट। तो इसकी सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ट्रायंगल हार्ट वाला प्लांट है, बहुत ही लंबा हो चुका है। 5-6 फुट इसकी लंबाई हो गई है। मैंने इसे गए विंटर्स के पहले इसे मैंने एक ही 4-5 इंच वाले कटिंग से ग्रो किया था। और देखिए कितना लंबा हो गया है, 5-6 फुट तो हो ही गया है। देखिए मैंने इसमें इसके बीचों बीच सिर्फ एक ही कटिंग लगाई थी, सिर्फ एक ही ओनली वन 4-5 इंच वाली कटिंग लगाई थी। तो देखिए चारों ओर से इसकी ब्रांचेस चली गई और ये लटक रही है, बहुत लंबी लंबी हो गई है। मैंने एक ही कटिंग लगाई थी और सभी तरफ ये फैली है। तो इसकी प्रोपगेशन भी बहुत ही ईजी है। और इसका इसकी केयर इसकी पत्तियों में देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारा पानी होल्ड पहले से ही होल्ड होता है। तो आप इसे एक दो दिन पानी डालना भूल जाओ तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और इसकी पत्तियों में पहले से ही पानी बहुत स्टोर होता है। आप इसको पानी तभी दे जब इसका इसकी गमले की मिट्टी सूख जाए। इसकी गमली की मिट्टी में आप उंगली डालकर देखिए, तो देखिए इसमें कितना से पानी होल्ड होता है। तो इसकी इसे पानी तभी दे जब इसका ऊपर इस ऐसे उंगली डालकर देखिए। अगर आपको मिट्टी में थोड़ा पानी दिख जाए तो आप इसे पानी मत डालिए। अगर आपकी मिट्टी गमले की मिट्टी सूख गई है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और इसकी सनलाइट की बात करो तो फ्रेंड्स, सनलाइट ये इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। ये समर्स के बहुत सारे सनलाइट को ये झेल नहीं पाता है। इसे दिन भर की छोटी छोटी सनलाइट हो तो चलती है, और दिन भर की लाइट हो तो तभी भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल सकता है। तो कैसी लगी जानकारी आज की कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।